आलिया भट्ट जफर के निर्देशन में बनी फिल्म भारत का ट्रेलर कल लोगों के बीच रिलीज कर दिया गया, जिसे फैंस द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। भारत फिल्म की बात करें तो ये फिल्म काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है और ट्रेलर भी काफी ज्यादा धमाकेदार रहा है, जिसे देखने के बाद ये साफ कहा जा सकता है कि जब ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है ये फैंस के बीच काफी ज्यादा पसंद की जाएगी, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बताना चाहेंगे फिल्म के ट्रेलर की तारीफ सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने भी कर डाली है। शाहरुख खान ने ट्विटर हैंडल पर भारत की फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते हुए कुछ बातें लिखी थी, जिसे जानकर ये साफ कहा जा सकता है कि शाहरुख खान भी भारत फिल्म के ट्रेलर के मुरीद हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में भारत फिल्म के अगर फैंस की बात करें तो हमेशा से ही उनकी फिल्मों का काफी बेसब्री से इंतजार रहता है और ईद पर रिलीज होने वाली भारत फिल्म भी कुछ ऐसे ही कमाल करती नजर आएगी। भारत फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट काफी हद तक बढ़ गया, फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताना चाहेंगे भारत फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद सलमान खान के फैंस सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और बताना चाहेंगे जिस हिसाब से फैंस का रिएक्शन आ रहा है और इस हिसाब से साफ कहा जा सकता है जब ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी तब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेगी। खैर ये तो रही सलमान खान के फिल्म भारत के ट्रेलर की बात। अब अगर बात करें सलमान खान के अगली फिल्म की तो दबंग 3 भी काफी मायनों में खास हो रही है। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग मध्य प्रदेश के महेश्वर में की गई थी, जहां पर फिल्म के टाइटल सॉन्ग और कुछ अहम सीन को शूट किया गया था। अब फिल्म का दूसरा शूटिंग शेड्यूल मुंबई में किया जाना है। फिलहाल फिल्म की कास्ट और क्रू टीम मुंबई के लिए रवाना होने वाली है, जहां पर फिल्म के दूसरे शूटिंग शेड्यूल किया जाना है। लेकिन इसी के साथ ही हम आपकी भी राय लेना चाहते हैं, आपको भारत फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, साथ ही आप भारत फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर अपनी राय दें। श्री राम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म अंधाधुन की बात करें तो इस फिल्म को 5 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। साल 2018 में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय रही, क्योंकि इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त थी। आयुष्मान खुराना, तब्बू और राधिका आप्टे का किरदार लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया गया और इसी के साथ ही अब ये फिल्म चीन के बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी हिंदी फिल्म बन गई है। जी हाँ, बताना चाहेंगे भारत फिल्म में ये धुआंधार कमाई की थी, लेकिन जब मेकर्स ने इस फिल्म को चीन में रिलीज किया गया तो चीन में भी यही कारनामा ये फिल्म करती हुई नजर आ रही है। बताना चाहेंगे चीन के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और सबसे ज्यादा कमाई के मामले में अब अंधाधुन से आगे सिर्फ दो ही फिल्में हैं। बॉलीवुड के जाने माने टेररिस्ट तना आदर्श ने चीन में अंधाधुन के लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस के आंकड़े साझा किए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक अब तक फिल्म 43.45 मिलियन डॉलर यानी करीब 303 करोड़ 36 लाख की कमाई कर चुकी है। इस कमाई के साथ अंधाधुन ने चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 3 भारतीय फिल्मों में जगह भी बनाने में कामयाब हो चुकी है। बात करें चाइना के बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की तो सबसे पहले नाम आता है दंगल फिल्म का, उसके बाद में सीक्रेट सुपरस्टार और तीसरे नंबर पर अंधाधुन आ गई है। अगर चौथे नंबर की बात करें तो सलमान खान की बजरंगी भाईजान का नाम आता है और पांचवें नंबर पर हिंदी मीडियम है। वैसे देखा जाए फिल्म को रिलीज हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म की कमाई का आंकड़ा यही जारी है और आने वाले समय में यह साफ कहा जा सकता है कि चीन के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अंधाधुन यही बड़ा कारनामा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि 303 करोड़ रुपए की कमाई अब तक चाइना के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अंधाधुन कमाई कर चुकी है। सलमान खान ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर के दौरान में कई ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिन ब्लॉकबस्टर फिल्मों का क्रेज आज भी उनके फैंस के बीच हमें देखने को मिलता है। और उन्हीं ब्लॉकबस्टर फिल्मों की अगर तरफ नजर डालें तो बताना चाहेंगे साल 2003 में फिल्म आई थी तेरे नाम, जिस फिल्म का डायरेक्शन किए थे सतीश कौशिक। इस फिल्म के कैरेक्टर में सलमान खान राधे नाम के एक किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे और फिल्म की कहानी दिल को छू जाने वाली थी। इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट भूमिका चावला सचिन खेड़ेकर नजर आए थे, साथ ही इस फिल्म में रवि किशन का भी काफी अहम रोल था। फिल्म की कहानी लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय रही और ये फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। साथ ही सलमान खान के लुक यानी उनके लंबे लंबे बाल का क्रेज उनके फैंस के बीच भी देखने को मिल रहा था और आज भी ये क्रेज इनके फैंस में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अब सलमान खान की इस फिल्म के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, निर्देशक सतीश कौशिक इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट यानी तेरे नाम 2 बनाने वाले हैं और मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया गया कि इस फिल्म का सेट जल्द ही नॉर्थ इंडिया में लगने वाला है। निर्देशक सतीश कौशिक ने इस बात की जानकारी दी है कि हम इस फिल्म का अगला पार्ट बना रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि इस फिल्म में बॉलीवुड का कोई और सेलिब्रिटी होगा यानी सलमान खान की जगह
जगह कोई और इस फिल्म में जगह लेगा। फिलहाल सलमान खान के इस चैलेंजिंग किरदार को कोई और एक्टर निभा पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी के साथ ही सतीश कौशिक ने इस बात की भी जानकारी दी है, फिल्म की कहानी जो तेरे नाम की थी उसकी एंडिंग काफी ज्यादा शानदार थी और ठीक ऐसे ही कुछ फिल्म तेरे नाम 2 में भी लोगों के सामने पेश होने वाला है। तो जाहिर सी बात है सतीश कौशिक के इस बयान से साफ लगता है कि ये फिल्म भी काफी ज्यादा जबरदस्त साबित होने वाली है, क्योंकि तेरे नाम 2 का क्लाइमेक्स लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया गया था। खैर, तेरे नाम 2 में सलमान खान की जगह कौन बॉलीवुड का एक्टर ले पाएगा इस बात का ऐलान तो अभी नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सलमान खान का ये कैरेक्टर प्ले करना बॉलीवुड के किसी भी अभिनेता के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग भरा होने वाला है। इस समय देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और बताना चाहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले बॉलीवुड से जुड़े तमाम बड़े सेलिब्रिटियों को ट्वीट करते हुए जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की थी। खैर, पीएम नरेंद्र मोदी की बात तो सभी सेलिब्रिटियों ने मानी, लेकिन इस कड़ी में शाहरुख खान पीछे रह गए थे। लेकिन देर ही सही, लेकिन शाहरुख खान ने पीएम नरेंद्र मोदी की ये अपील लोगों तक पहुंचा दी है। बताना चाहेंगे शाहरुख खान ने ट्विटर पर लोगों से चुनाव में वोट देने की अपील की है। शाहरुख खान ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने क्रिएटिविटी के लिए कहा था पर मुझे जरा देर हो गई, लेकिन आप वोट करने में देरी ना करें। वोट करना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी ताकत भी है। शाहरुख खान ने वोट देने को लेकर लोगों को जागरूक होने को कहा है। शाहरुख खान ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में शाहरुख खान ने बड़े ही मजेदार अंदाज में लोगों को वोट का महत्व समझाया। उनके वीडियो को देखकर इतना तो कहना पड़ेगा कि शाहरुख खान ने कोशिश अच्छी की है, लेकिन अब लोग उनकी इस कोशिश से कितना प्रभावित होते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। इसी के साथ ही अगर शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2018 उनकी फिल्म जीरो आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। जीरो के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि राकेश शर्मा की बायोपिक करने वाले हैं। फिर ऐसी खबरें आई कि वो फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इन सब चल रही खबरों में कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक लंबे समय से शाहरुख खान अपने फैंस को कोई बड़ी फिल्म देने में नाकामयाब साबित रहे हैं और ऐसे में शाहरुख खान पर भी काफी ज्यादा प्रेशर है कि वो अपने फैंस को एक बड़ी फिल्म के जरिए एक बड़ा तोहफा दें। हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज भारतीय दर्शकों के बीच काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और बताना चाहेंगे कि इस बात का अंदाजा आप हॉलीवुड की फिल्में जब भारत में रिलीज होती हैं उस फिल्म के कलेक्शन और एडवांस बुकिंग से आप लगा सकते हैं। बताना चाहेंगे हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम की रिलीज में सिर्फ 3 ही दिन बाकी है और ऐसे में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इस बात में कोई शक नहीं है जब फिल्म रिलीज होगी तो साथ ही ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बताते चले फिल्म ने एडवांस बुकिंग के दौरान बाहुबली 2, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और टाइगर जिंदा है जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो एवेंजर्स एंड गेम ने अभी ही 35 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग कर चुकी है, जबकि बाहुबली 2 ने 31 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की थी। वहीं पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 27 करोड़ और टाइगर जिंदा है ने 25 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। लेकिन ऐसे में एवेंजर्स एंड गेम ने 35 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग करके इन सभी स्टार्स की फिल्मों को एडवांस बुकिंग के मामले में पीछे कर दिया है और इस बात से साफ जाहिर होता है कि एवेंजर्स एंड गेम ओपनिंग के मामले में सारे रिकॉर्ड धाराशाही करने वाली है। वहीं पर ट्रेंड पंडितों के मुताबिक बताया गया कि साल 2018 और साल 2019 में बॉलीवुड फिल्मों ने सिनेमाघरों में जो ओपनिंग ली है एवेंजर्स एंड गेम उनसे कई गुना ज्यादा बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बनाने वाली है और एवेंजर्स इसी साल में मार्वल से सभी 22 अलग अलग किरदार साथ दिखेंगे जैसे कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, ब्लैक विडो, एंट मैन आदि। जाहिर है फैंस के बीच इस फिल्म का खासा उत्साह है क्योंकि जिस हिसाब से एवेंजर्स एंड गेम की एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर रहने वाली है। वहीं पर दूसरी ओर आईपीएल के दौरान रिलीज फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन एवेंजर्स के मामले में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि आईपीएल के मैचों के दौरान एवेंजर्स एंड गेम को कोई खास नुकसान नहीं होगा। साल 2012 में आई फिल्म स्टोन ऑफ द ईयर से वरुण धवन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और बताना चाहेंगे फिल्मी करियर शुरुआत करने के बाद वरुण धवन ने बैक टू बैक बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। बताना चाहेंगे वरुण धवन को बॉलीवुड इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा भी माना जा रहा है और बताना चाहेंगे वरुण धवन ने अपने फिल्मी करियर के दौरान कोई भी ऐसी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है, लेकिन अब उनके सक्सेस पर स्पीड ब्रेकर लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बताना चाहेंगे अभिषेक बर्मन के निर्देशन में बनी फिल्म कलंक के जरिए उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप
फ्लॉप फिल्म मिल चुकी है। बताना चाहेंगे कलंक फिल्म वरुण धवन के करियर की फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से फिल्म का कलेक्शन सामने आ रहा है उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरीके से पिट गई है। हालांकि इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की उम्मीद पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जता रहा था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अभिषेक बर्मन के निर्देशन में बनी फिल्म कलंक एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त जैसे मुख्य किरदार फिल्म में देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म दर्शकों के बीच कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बताना चाहेंगे इस फिल्म ने पहले दिन 21 करोड़ 60 लाख की कमाई करते हुए साल 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी पहले दिन की कमाई करने के मामले में, लेकिन अगले ही दिन इस फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली और 21 करोड़ से ये फिल्म 11 करोड़ पर आकर गिर गई और यही कारनामा आने वाले दिनों में भी रहा और धीरे धीरे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट रही है। इसके साथ ही आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे, वरुण धवन ने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार हिट फिल्में दी हैं और उनके अब तक के करियर में सिर्फ एक फिल्म ने कम कमाई की है और वो थी फिल्म सुजीत सरकार की रोमांटिक ड्रामा फिल्म अक्टूबर, जिसे साल 2018 में रिलीज किया गया था। वरुण धवन के अगर करियर का ग्राफ देखें तो ये सुपरहिट फिल्मों से भरा पड़ा है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैं तेरा हीरो, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बदलापुर, ABCD 2, दिलवाले, ढिशोम, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जुड़वा 2, सुई धागा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हैं। लेकिन अब इन सभी सुपर डुपर हिट फिल्मों के अलावा वरुण धवन के करियर फ्लॉप फिल्म भी जुड़ चुकी है, जिस फ्लॉप फिल्म का नाम है कलंक। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी बातें रखते हैं, चाहे लोगों को बातें अच्छी लगे या बुरी लगे, उन बातों पर रिएक्शन सोशल मीडिया पर लोग देते ही हैं। और इसी कड़ी में जब भारत फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ट्रेलर पर भी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। बताना चाहेंगे प्रशंसक काफी लंबे समय से भारत फिल्म के ट्रेलर की रिलीज का इंतजार कर रहे थे, ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म में सलमान खान अलग अलग लुक्स में नजर आ रहे हैं, फिल्म के डायलॉग्स ट्रेलर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गए हैं और इन पर मीम्स भी बनने शुरू हो गए हैं। खासकर कटरीना कैफ के एक डायलॉग पर लोग सोशल मीडिया पर खूब मजे ले रहे हैं। ट्रेलर के एक सीन के दौरान सलमान खान जब कटरीना कैफ के पास जॉब के सिलसिले में पहुंचते हैं तो नाम पूछे जाने पर एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। सलमान खान का यह तरीका कटरीना कैफ को खास पसंद नहीं आता, वो उन्हें कहती हैं इतने भारी ज्ञान की जरूरत नहीं है। कटरीना के इस डायलॉग पर ढेर सारे मीम्स नजर आ रहे हैं और लोग अलग अलग टॉपिक से इसे रिलेट कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा इतनी भारी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी सलमान खान ट्रेलर के एक सीन में रोते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर भी काफी मीम्स बन रहे हैं। एक शख्स ने सलमान की रोती तस्वीर शेयर की और इसे एनुअल अप्रेजल के रिलेट कर दिया। ट्रेलर की बात करें तो भाईजान के ट्रेलर को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। सलमान के दोस्त शाहरुख खान ने ट्रेलर की जमकर तारीफ की है और जिस हिसाब से फिल्म के ट्रेलर को लोगों का रिएक्शन आ रहा है उससे साफ कहा जा सकता है ये फिल्म जब ईद के मौके पर रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पसंद की। अब अगर भारत फिल्म की अगर और डिटेल की बात करें तो भारत फिल्म साल 2014 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ओड टू माय फादर का हिंदी रीमेक है, जिस फिल्म में सलमान खान के 5 अलग अलग लुक्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इस फिल्म में सलमान के अपोजिट कटरीना कैफ, दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर, आशीष शेख, तब्बू और जैकी श्रॉफ जैसे मुख्य किरदार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। वहीं पर खबरों की माने तो इस फिल्म में जैकी श्रॉफ सलमान खान के पिता का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं।